हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये जो सिक्स फॉर्मूला आप देख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, इन फॉर्मूलाज को आप लोग कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग इन फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज को हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल उसी ट्राइंगल को कहते हैं जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। जो जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं मैं, तो यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये आपका 90 डिग्री है, इसीलिए ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहां पर देखिए, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो यहां पर मैं इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा को ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होता है? पी परपेंडिकुलर। जैसे कि यहां पर पी देख रहे हैं, ये पी मतलब यहां पर परपेंडिकुलर को यहां पर पी सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो अगर ये पी है तो ये हमारा बी हो गया और बी मतलब बेस, और अगर ये पी है ये बी है तो ये आपका, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे और ये पी है और ये बी है, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। अगर मान लीजिए सेम फिगर में यहां पर ड्रॉ करता हूं, सेम ट्राइंगल में यहां पर ड्रॉ करता हूं और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, इसको अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो थीटा का ऑपोजिट जो है ये हमेशा पी होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा दे दिया तो इसका ऑपोजिट साइड ये पी हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमेशा जिस एंगल को थीटा मानेंगे, जिस एंगल लेके हम लोग काम करेंगे उसी एंगल का ऑपोजिट साइड में ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec theta is equal to hypotenuse by base, cot theta is equal to base by perpendicular। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने के लिए आप लोगों को ये तीन लाइन याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्राउन, तो यहां पर इससे, इस लाइन से आप लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, सम पीपल है तो यहां पर सम, सम का एस से आप साइन बना लीजिए, सो साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, सो सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। सिमिलरली देखिए, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर, तो कॉस थीटा, सी से कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, देखिए मैच्योर है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। नेक्स्ट आप जाएंगे टर्न्ड परमानेंट ब्राउन, सो टर्न्ड परमानेंट ब्राउन, तो टर्न्ड टी से यहां पर टेन थीटा बन गया, सो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, सो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। देखिए ये तीनों फॉर्मूला हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं इन तीन लाइन से। पहला हो गया हमारे पास सम पीपल हैव, सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्लैक है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, एंड टर्न परमानेंट ब्राउन टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो अगर इन तीनों को हम लोग याद रख लिया इन तीनों लाइन से तो ये तीनों आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए, कोसेक थीटा जो है ये आपका साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा का ऑपोजिट है। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या है? एच बाई पी। तो देखिए यहां पर एच बाई पी है, एच बाई पी मतलब हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए sec थीटा, सो sec थीटा ये क्या है? ये आपका cos थीटा का ऑपोजिट है, cos थीटा का उल्टा है। सो अगर cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच है तो sec थीटा क्या है? देखिए sec थीटा यहां पर लिखा गया है h बाई बी। नेक्स्ट देखिए यहां पर tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है? p बाई बी। सो tan थीटा यहां पर p बाई बी है और cot थीटा क्या है? tan थीटा का ऑपोजिट है, उल्टा है, तो यहां पर cot थीटा क्या हो जाएगा? p बाई पी। तो देखिए यहां पर b बाई पी लिखा गया है। मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूलाज है, इन सिक्स फॉर्मूलाज आप अभी आसानी से याद रख सकते हैं इन तीनों लाइन की मदद से। पहला लाइन क्या है? सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कर्ली ब्लैक हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, टर्न परमानेंट ब्राउन टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो अगर इन तीनों को आपने याद रख लिया तो ये तीनों आप आराम से याद रख सकते हैं। कैसे?
कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, सेक थीटा ये कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, और कॉट थीटा ये जो आपका टेन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूला से, इन फॉर्मूलास को आप आसानी से अभी याद रख सकते हैं। तो इन तीनों लाइन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अभी यहाँ पर आप रिमेंबर भी कर लीजिएगा, याद भी रख लीजिएगा इन लाइन्स को, तब जाके आप इन फॉर्मूलास को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अभी इन फॉर्मूलास को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3 है, उन फॉर्मूलास को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब बी जो एंगल है ये आपका बी एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है देखिए ए बी इज इक्वल टू 24, BC is equal to 7, डिटरमाइन नंबर वन में दे रखा है देखिए साइन ए कोमा कोस ए, एंड नंबर टू में दे रखा है देखिए साइन सी कोमा कोस सी। तो पहले तो हम लोग रोमन वन को सोल्व करेंगे। तो पहले तो यहां पर मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए मैं यहां पर एक फिगर बना लिया, और इस फिगर में देखिए ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री एंगल है, और क्वेश्चन में दे रखा है राइट एंगल एट बी मतलब बी एंगल यहां पर 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो एंगल 90 डिग्री है इसको हम लोग बी नाम देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इन ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी बी तो दे दिया, ए कहां पर दे हम लोग, ए आप यहां पर दे सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं। अगर ए आप यहां पर देंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर सी होना चाहिए, अगर आप यहां पर ए देंगे तो यहां पर सी हो जाएगा, तो दोनों केस में ही आपका चल जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ए बी दे रखा है 24, तो ए बी दे रखा है 24, तो मैं यहां पर इसको 24 दे देता हूं, और बीसी दे रखा है 7, तो बीसी हम लोगों ने 7 दे दिया। उसके बाद देखिए साइन ए, साइन ए मतलब इस ए को लेके काम किया जा रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। सो एंगल ए का ऑपोजिट में हमेशा क्या होता है, पी होता है, दैट मींस ये पी है और ये बी है, ये एच है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू हमें पता है 7, एच का वैल्यू यहां पर हमें पता नहीं है, तो यहां पर हम लोगों को पहले तो एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम लोग एच निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहा, पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो इस थ्योरम को हम लोग यूज करके यहां पर हम लोग ऐसे निकालेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए बाई पहले तो हम लोग सोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, एबी का वैल्यू क्या है, एबी का वैल्यू है हमारे पास 24, तो 24 स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर मतलब 7, बीसी का वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज नाउ 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होता है, 24 स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है आपका 49 इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 576 प्लस 49 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 625 इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा आपका रूट बार ऑफ 625, और रूट बार ऑफ 625 कितना है, रूट बार ऑफ 625 भी आपका 25। सो एसी का वैल्यू यहां पर हमें मिल गया कितना, 25 मिल गया। तो अभी हम लोग यहां पर आसानी से रोमन वन का आंसर कर सकते हैं। रोमन वन में हमें निकालना है देखिए साइन ए और क्या निकलना है, कॉस ए, साइन ए और कॉस ए निकलना है, और साइन ए मतलब साइन ए यहां पर आप लिख लीजिएगा साइन ए, सो साइन ए सम पीपल हैव, सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा। सो यहां पर पी का वैल्यू कितना है, 7, तो यहां पर हम लोग पहले एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे बीसी बाई पी मतलब बीसी बाई एच मतलब एसी, तो यहां पर बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू यहां पर 7 है, और एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू यहां पर 25 है। नेक्स्ट देखिए कॉस ए, कॉस ए कर्ली ब्लैक है, सो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी मतलब यहां पर क्या है, ए बी, ए बी यहां पर हमारा बी है, और एच मतलब यहां पर क्या है, एसी, तो ए बी का वैल्यू कितना है 24, और एसी का वैल्यू कितना है 25। तो अल्टीमेटली नंबर वन का सोल्यूशन यहां पर हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर रोमन टू को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन टू में देखिए हमें पहले तो साइन सी निकालना है, तो पहले हम लोग यहां पर साइन सी निकालेंगे, और उसके बाद हमें निकालना है कॉस सी, और इस केस में देखिए यहां पर आपको आसानी से यहां पर आपको आंसर करना है, यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं आप, ठीक है, तो यहां पर आपको आसानी से करना है। देखिए यहां पर कौन सा एंगल लेके काम किया जा रहा है, यहां पर सी लेके काम किया जा रहा है, तो मैं यहां पर फिर से फिगर बना लेता हूं आपके लिए, तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ठीक है, तो यहां पर देखिए
यहां पर ए बी दे रखा था 24, तो 24 लिख लिया, बी सी दे रखा है 7 और ए सी हम लोगों को मिला था 25। देखिए यहां पर सी लेके काम किया जा रहा है, तो सी लेके अगर काम किया जा रहा है दैट मीन्स एंगल, जिस एंगल लेके यहां पर काम किया जाएगा उसी एंगल का ऑपोजिट में ही हमेशा पी होता है, तो यहां पर सी लेके काम किया जा रहा है दैट मीन्स सी का ऑपोजिट में ये पी आ जाएगा, तो अगर ये पी है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये 25 तो एच ही है। ठीक है, तो इस केस में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, दैट मींस यहां पर साइन सी मतलब यहां पर पी मतलब क्या है ए बी है, तो इस केस में साइन सी यहां पर ए बी डिवाइडेड बाई एच, एच मतलब क्या है एसी, तो इस केस में ए बी बाई एसी, तो अल्टीमेटली यहां पर ए बी मतलब कितना है 24, तो 24/25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉस सी, कॉस सी मतलब कॉस सी यहां पर बी बाई एच, बी मतलब क्या है यहां पर, यहां पर बी मतलब बीसी है, सो बी सी बाई एसी, सो बी सी कितना है, बी सी हमारे पास 7 दे रखा है और एसी कितना है, एसी हमारा 25 है, तो यहां पर रोमान 2 का आंसर हम लोगों ने कर लिया। तो ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान से आंसर करना है रोमान 2 का, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, देखिए इन फिगर 8.13, एक्चुअली बुक में जो ये फिगर है इस फिगर के नीचे आपका 8.13 लिखा होगा, तो ये जो फिगर है इस फिगर में देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है और यहां पर Q जो है ये आपका 90 डिग्री एंगल है और यहां पर PQ दे रखा है 12, PR दे रखा है 13, हमें यहां पर क्या निकलना है, देखिए 10P-QR निकलना है, 10P-QR निकलना है, तो 10P-QR निकलना है, तो 10P मतलब 10P मतलब आप याद करेंगे, देखिए यहां पर 10P मतलब P से P लेके काम किया जा रहा है, तो P लेके काम किया जा रहा है दैट मींस ये हमारा B हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हमारा B है, ये हमारा H है, और यहां पर कोट R लेके काम किया जा रहा है, तो फिर से मैं यहां पर फिगर बना लेता हूं, ये मेरा R है, ये मेरा Q है और ये मेरा P है, ये 12 है, ये 13 है, तो जिस केस में R लेके काम किया जा रहा है उसी केस में ये P है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, जिस एंगल लेके काम किया जाएगा उसी एंगल का ऑपोजिट एंगल हमेशा ऑपोजिट साइड से हमेशा पी होता है। ठीक है, चलिए यहां पर 10P और 10 टीटा यहां पर क्या होता था, 10 टीटा इक्वल टू टैन परमानेंट ब्राउन, सो 10 टीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, सो अगर 10 टीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है सो कॉट टीटा क्या है, 10 टीटा का ऑपोजिट मतलब बी बाई पी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर P देखिए P कितना है, यहां पर P तो नहीं है, तो पहले तो हम लोग यहां पर P निकालेंगे, ठीक है, B दे रखा है, H दे रखा है, तो पहले तो हम लोग यहां पर P निकालेंगे, और P कैसे निकालेंगे, P निकालने के लिए हम लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन के शुरू में हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोथेनस स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका पीक्यू स्क्वायर प्लस क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीआर स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज अब देखिए पीक्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 12, तो यहां पर 12 स्क्वायर प्लस क्यूआर स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीआर स्क्वायर मतलब कितना है 13, तो 13 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज देखिए 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यूआर स्क्वायर हमें पता नहीं है, क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169, सो दिस इंप्लाइज देखिए क्यूआर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, सो दिस इंप्लाइज क्यूआर इज इक्वल टू 169, तो यहां पर रूट हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 ये हो जाएगा आपका 25, सो फाइनली रूट ओवर ऑफ 25 ये हो जाएगा आपका 5, दैट मींस यहां पर QR का वैल्यू आ गया 5 और यहां पर भी हम लोग लिख लेंगे QR का वैल्यू 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10P माइनस कोटार, 10P, 10 टीटा इक्वल क्या होता है P by B, सो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे 10 टीटा इक्वल टू P by B, फॉर P कितना है, P हमें 5 मिला है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 by B मतलब 12, तो 5 by 12 माइनस कॉट आर, सो कॉट आर आप इसमें आएंगे, कॉट आर इक्वल टू क्या होता है, कॉट टीटा इक्वल टू B by P, सो B कितना है यहां पर 5, B कितना है 5 और P कितना है 12, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5/12, सो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/2 ये आ जाएगा आपका 0। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है, देखिए, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए, कैलकुलेट कोसे एंड टेन ए। सो मैं यहां पर पहले तो फिगर बना लेता हूं, तो यहां पर साइन ए लेके काम किया जा रहा है, तो यहां पर हम लोग ए दे देते हैं, यहां पर आप बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कोई भी एंगल यहां पर रख सकते हैं, तो मैंने यहां पर बी रख दिया, तो यहां पर सी हो जाएगा। सो यहां पर मैं यहां पर सोल्यूशन में लिखूंगा साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है देखिए 3/4, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैव, देखिए मैं बार बार उसको रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को उसको याद रखने में आसानी हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैव, दैट मींस पी बाई एच। तो यहां पर साइन ए मतलब पी बाई एच इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन ए ए लेकर काम किया जा रहा है, दैट मींस ये हमारा हो जाएगा पी, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा एच। So, यहां पर देखिए p बाई एच इज इक्वल टू 3/4, सो यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे तो p के नीचे आ जाएगा आपका 3, और h यहां पर चला जाएगा, तो h बाई 4 इज इक्वल टू, हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, k नाम दिया k से, दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए आप क्रॉस करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4k। तो यहां पर p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया यहां पर 3k, और h का वैल्यू यहां पर आ गया आपका 4k, एज का वैल्यू यहां पर आ गया 4k। तो यहां पर हम लोग पहले तो यहां पर ए भी निकालेंगे, और अभी कैसे निकालेंगे, बेस को निकालने के लिए यहां पर बी निकालने के लिए यहां पर हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे एबी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और AB तो हमें पता नहीं है, तो AB स्क्वायर इज प्लस BC, देखिए BC का वैल्यू कितना है 3K, सो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 3K होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC, AC मतलब 4K, सो 4K होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 4K होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू, तो यहां पर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहां पर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका रूट 7 इंटू के, क्योंकि के का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट काट देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा, दैट मीन्स बी का वैल्यू हमें आ गया रूट 7 इंटू के। अब देखिए हमें निकलना है देखिए कॉस ए, सो कॉस ए मतलब कॉस थ्री इज इक्वल टू क्या होता है कार्ली ब्लैक हेयर बी बाई एच, तो यहां पर कॉस है तो दे आर फोर कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना है ए बी बाई कार्ली ब्लैक हेयर बी बाई एच, एच मतलब यहां पर क्या है ए सी, सो यहां पर देखिए ए बी मतलब क्या दे रखा है देखिए रूट 7 के हमें मिला है डिवाइडेड बाई ए सी मतलब क्या है 4/k, तो यहां पर के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा रूट 7/4। नेक्स्ट देखिए हमें पास हमें निकलना है टेन ए, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे टेन ए, सो टर्न परमानेंट ब्राउन पी बाई बी आ जाएगा, तो यहां पर पी बाई बी, पी मतलब क्या है यहां पर बीसी है, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे बीसी बाई ब्राउन मतलब यहां पर ए बी बी, सो यहां पर ए बी आ जाएगा, बीसी मतलब क्या है यहां पर बीसी का वैल्यू दे रखा है 3K, और ए बी मतलब रूट 7 इंटू के, सो के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा 3/√7। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।